मित्रों नमस्कार। मित्रों कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वो सऊदी अरब जहां पे इस्लाम का जन्म हुआ और इसके बाद 1400 सालों तक पूरी दुनिया के अंदर बुत परस्ती को मिटाने के लिए यानी कि मूर्ति पूजा को खत्म करने के लिए जो इस्लामिस्ट है उनके द्वारा जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एक कत्लोगारत किया गया, एक कत्ले आम मचाया गया, बड़ी संख्या में करोड़ों की अरबों की संख्या में जो गैर मुस्लिम्स थे, जो कि मूर्ति पूजक थे, जो बहुत देवताओं को मानते थे, उनको जिस तरह से मारा गया, काटा गया, उनके इलाकों में घुस कर जिस तरह से बलात्कार किए गए, जिस तरह से एक हिंसा का पूरा तांडव तो भगवान शिव के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, जिस तरह का उपद्रव मचाया गया, हिंसा की गई, अगर आप उन सभी चीजों को देखें बहुत कायदे से देखें तो आप समझ पाएंगे कि इन सब के लिए अगर कोई असल में जिम्मेदार है तो जो अरब की संस्कृति है, अरब का जो कल्चर है, जिसने कि अरब सुप्रीमिज्म को जन्म दिया कि अरब ही, अरब का जो मजहब है वही सर्वोच्च है, इसीलिए इसी सर्वोच्चता के चक्कर में जो है दुनिया में 1400 सालों तक बड़ी संख्या में कत्लोगारत हुआ। और ये जो कत्लोगारत हुआ इसके बारे में अगर किसी, मुझे पता है कि बहुत से लोग इस पे, अगर इस्लामिस्ट मेरे साथ इसमें जुड़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, जिहादी सोच के लोग देख रहे होंगे तो बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो इकबाल ने जो शिकवा लिखा हुआ है, इकबाल जो कवि थे पाकिस्तान के, जो फादर ऑफ नेशन पाकिस्तान के हैं, उन्होंने जो शिकवा किताब लिखी हुई है उसमें वो अल्लाह से यही शिकवा करते हैं इकबाल कि मैंने, कि हम मुसलमानों ने आपके लिए कितना खून बहाया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी आपने हमको रुसवा कर दिया। इस तरह का शिकवा वो कर रहे हैं इकबाल अपनी उस कविता में, उस शायरी में जिसका नाम शिकवा है, कि ऐसा कुछ कर गया है कि तू जानता था कि लेता रहा था कोई नाम तेरा, और कुवते मुस्लिमों ने किया काम तेरा, ऐसा करके पूरा याद नहीं आ रहा मुझे भी, यानी कि तेरा तो कोई नाम लेता नहीं था, कुवते मुस्लिम यानी कि मुस्लिम ने कुवत से तुम्हारा नाम हर जगह फैलाया। तो इस तरह की जो विचारधारा है, इस तरह की जो जिहाद की बातें होती हैं, तो इस तरह का माइंडसेट वाला एक देश अगर अचानक से जो है वहां पे एक चर्चा शुरू हो जाए कि हमारे प्राचीन देवी देवता कौन थे, हमारी प्राचीन मूर्तियां कौन थी, हमारी प्राचीन प्रतिमाएं कौन थी, अल्लाह के पहले कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा सऊदी अरब के अंदर होती थी, अगर इस तरह की बातें शुरू हो जाए तो इसका मतलब फिर क्या होगा, इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, ये तो बहुत बड़ा चेंज इसका मतलब है। तो दरअसल कुछ ऐसे ही समाचार आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट एक न्यूज़पेपर करके है, मिडिल ईस्ट आई, इसका नाम याद कर लीजिएगा, मिडिल ईस्ट आई करके एक न्यूज़पेपर है और ये ज्यादातर अरब की खबरों को दिखाता है, जो अरब के देश है वहां की खबरों को दिखाता है। और इस मिडिल ईस्ट आई न्यूज़पेपर की मैं कटिंग आपको दिखा रहा हूं मित्रों, इस मिडिल ईस्ट आई न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला हुआ है और वो आर्टिकल ये है कि जो अरब की तीन प्राचीन देवियां हैं, लात, मनात और उज्जा, इन तीन प्राचीन देवियों की जो सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है उसकी वजह से अरब के अंदर लोगों में एक गुस्सा या एक विवाद पैदा हो रहा है। तो मित्रों आप सबसे पहले तो आप ये अखबार में दिखा रहा हूं आपको कि अखबार कोई भारत का अखबार नहीं है, कोई संघ का अखबार नहीं है, अखबार अरब का ही अखबार है, अरब का ही अखबार अंग्रेजी का है, वही छाप रहा है, ये बात हम नहीं कह रहे, जो वो कह रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि लात, मनात, उज्जा जो कि अरब की पहले की प्राचीन तीन देवियां थीं, उनकी चर्चा जो है वो सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर हो रही है और उसकी वजह से वहां पे कुछ लोगों में गुस्सा है, कुछ लोग का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि एक विवाद की वहां पे स्थिति बनी हुई है, पक्ष विपक्ष वहां पे तैयार हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मित्रों एक मैं अगर आपको बताऊं तो आपको मैं वो ट्वीट भी दिखा रहा हूं, @MSS4 करके वो ट्वीट है और उसमें जो है लिखा हुआ है कि फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर अल उज्जा इज ऑलवेज देयर, वी आर सऊदी अरेबियंस डीपली कनेक्टेड विद आर पास्ट, डज नॉट मैटर इफ वी आर नॉट मुस्लिम और नॉट, इट्स एन अरेबिक हिस्ट्री, सऊदी गवर्नमेंट गिव सो मच इंपॉर्टेंस फॉर द एंशियंट अरेबियन गॉड्स, आर पास्ट इज अ पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर। यानी ये साफ साफ कह रहे हैं, देखिए यहां पे जो ये इन्होंने फोटो लगाई हुई है उस फोटो में दिखाया गया है कि सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं इन्होंने कोई बुर्का नहीं पहना हुआ है, पहले ये धुआं यहां पे अगरबत्ती या कुछ धुआं सुलगाया हुआ है और इन्होंने हाथ जोड़े हुए, बिल्कुल ये सऊदी अरब की
अरब की प्राचीन एक तस्वीर है जिसमें कि लात नाम की एक देवी की यहां पे पूजा की जा रही है, और ये यहां पे किसी ने बुरका नहीं पहना हुआ है, ये सब महिलाएं जो है यहां पे पूजा कर रही हैं। एक तो ये है, दूसरा एक फोटो इन्होंने ये डाली हुई है ट्विटर अपने एक्स अकाउंट पर कि एक जो है अरब का कोई शेख व्यक्ति है और वो जो है उसने बड़ा सा एक गाउन पहना हुआ है सफेद, वो अरब का ही लग रहा है, और वो एक प्रतिमा को देख रहा है जो कि प्रतिमा जो है एक देवी की है जो कि उज्जा है। उसी तरह से जो है एक और फोटो भी है जिसमें कि एक देवी नजर आ रही है, और अगर देखें तो इस ये ऊपर जो हिस्सा है वो उज्जा का है, देवी जो उज्जा है, और तीसरी जो नीचे जो स्थिति है उसमें एक पुरुष को सूर्य को लिए हुए दिखाया जा रहा है। यानी कि इस ट्वीट के माध्यम से ये जो शख्स है जो अरब का रहने वाला है और जिसका अकाउंट अरब की भाषा में ही इसका नाम भी लिखा हुआ है, तो ये कहना चाह रहा है कि हम जो अरब के मुसलमान हैं वो मुसलमान भले ही हैं लेकिन जो हमारे प्राचीन देवी देवता हैं उनको भी हम नहीं भूले हैं, और ये जो सऊदी अरब की सरकार जो है ये सऊदी अरब की इस पुरानी हेरिटेज यानी पुरानी विरासत को संरक्षित करके अच्छा काम कर रही है। और यही यहां पे आप देख भी रहे हैं कि यहां पे एक संग्रहालय टाइप का दिख रहा है जिसमें कि सऊदी अरब के लोग जो है आकर के देख रहे हैं कि यहां पे हमारी पुरानी विरासत क्या है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये अपने आप पे बड़ा चौंकाने वाला है कि वो देश जहां से निकले हुए लोगों ने पूरी दुनिया में मूर्तियों को तोड़ा, वो खुद मूर्तियों को संरक्षित कर रहे हैं एक अपनी संग्रहालय बना करके। और ये इस तरह के जो समाचार हैं ये हमारे देश के उन कट्टरपंथियों के लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक, बहुत चिंता पैदा करने वाले हैं जो कि बार बार बुद्ध परस्ती के खिलाफ बयान देते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए मित्रों तो जो इस्लाम का साहित्य है चाहे उनकी जो पुस्तकें हैं उसमें लगातार जो बुद्ध परस्त हैं उनको कहा गया है कि वो नरक में जाएंगे, जो बुद्ध परस्त हैं वो गलत काम कर रहे हैं उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, और यहां तक कि उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए भी यानी जिहाद करके भी उनको किसी तरह से इस्लामिस्ट बनाने के लिए भी उसमें तरह तरह की चीजें बताई जाती हैं इस्लाम के साहित्य में। और वो सब चीजें जिस देश में हैं उस देश की जहां से निकली हैं उस देश के अंदर अगर संग्रहालय बनाए जा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि जो इसमें जो सऊदी राजवंश जो चल रहा है इस समय मोहम्मद बिन सलमान जो है, तो मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी भूमिका मानी जा रही है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है एक उदारवादी व्यक्तित्व रखते हैं, और वो उदारवादी व्यक्तित्व जो है वो उसी के तहत कह रहे हैं कि वो इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं मित्रों कि जब यहां पे इस्लाम का जन्म हुआ था सऊदी अरब के अंदर, और उसके बाद जब यहां पे मोहम्मद की मृत्यु होती है तो मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो पूरा सऊदी अरब था वहां पे दोबारा से लोगों ने अल्लाह को इबादत करना छोड़ करके दोबारा से वो अपनी अपनी जो मूर्तियां थीं उन्हीं मूर्तियों की पूजा करने में लग रहे थे, यानी कि वो इस्लाम को छोड़ रहे थे। लेकिन जो उस समय खलीफा थे अबू बकर, उन्होंने जो है इसके बाद पूरे अरब के अंदर एक बड़ा युद्ध छेड़ा, एक बड़ा अभियान चलाया, और अपनी तलवार के बल पर पे अपने लड़ाकों के बल पर एक बार फिर से जो दूसरे कबीले थे जो कि अल्लाह की इबादत करना छोड़ रहे थे उनको जबरन एक बार फिर से इस्लामिस्ट बनाया गया। ये सब इतिहास है और इतिहास को आप नकार नहीं सकते मित्रों, ये आपको हर जगह पढ़ने को मिल जाएगा। तो आप इस चीज को समझिए कि एक ऐसा मुल्क जहां पे इतना ज्यादा इस्लाम को लेकर कट्टरपंथ हो, मूर्ति पूजा का इतना विरोध हो, अगर वहां पे इस तरह की बहस का जन्म हो जाए, पक्ष विपक्ष बन जाए, लोग चर्चा करना शुरू कर दें, तो ये अपने आप पे बहुत चौंकाने वाली बात है, एक बहुत बदलाव वाली बात है। और इसीलिए मित्रों मैंने आज आपको ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। तो इस वीडियो के अलावा भी मित्रों मक्का मदीना में या सऊदी अरब के अंदर और किस किस तरह की चीज़ें हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं तो मैं आपको एक और अलग से वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें कि आप ये देखेंगे कि किस तरह से जो है सऊदी अरब के जो धार्मिक स्थल हैं उनका उपयोग संघ के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए भी किया जा रहा है। मक्का के अंदर जो लोग भी फिलिस्तीनी चिन्ह दिखा रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, या सऊदी अरब के अंदर जो लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हैं उनको पकड़ करके अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके मिलने जुलने वालों को भी ऊपर नजर रख करके उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। मित्रों बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो कि मैं आपको इस YouTube में नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, तो वो वीडियोस मैंने अपने WhatsApp चैनल लिंक में डाल रखे हैं। मेरा WhatsApp चैनल लिंक जो है वो इस YouTube डिस्क्रिप्शन के अंदर
इस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मोर पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, वहां पर एक आपको लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सअप लिंक पर आप क्लिक कर देंगे तो व्हाट्सअप मेरा खुल जाएगा, वो मेरा चैनल व्हाट्सअप का है, उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पर आपको मेरे सारे वीडियोज मिलेंगे। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर को सेव कर लेंगे, मिस कॉल कर देंगे तो आपको मेरे लेख मिलेंगे। और इसके अलावा इसी मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे फेसबुक का, मेरे ट्विटर का, मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहां भी जाकर के आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मित्रों नमस्कार। मित्रों मक्का मदीना के अंदर एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है, और वह विचित्र घटना ये हुई है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले एक ब्रिटिश अभिनेता जिनका नाम है इस्लाह अब्दुल रहमान, तो इस्लाह अब्दुल रहमान को जो सऊदी अरब के जो पुलिस वाले थे उन्होंने मक्का के अंदर काबा के पास अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद उनको बहुत बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की, और इस तरह से उनके साथ सलूक किया, उनको इस तरह से उनकी धुनाई की कि उनके सर पे चढ़ा जो सारा फिलिस्तीन का भूत है वो उतर जाए। और इसके अलावा बात बहुत सीधी सी ये है कि 10 नवंबर की घटना मैंने बताई आपको, और अब जो समझने वाली बात है वो क्या है मित्रों, कि सऊदी अरब के अंदर, अब मैं सऊदी अरब सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको चाहिए कि वो शांति बना के रखें, इसलिए उनको इस तरह के प्रोटेस्ट को अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन मेरी उनसे एक प्रार्थना भी है, और मुझे प्रार्थना है कि सऊदी अरब के अंदर, मक्का के ही अंदर, काबा के अंदर एक कुछ लोगों ने जो है, जो हज करने गए थे, उन लोगों ने भारत के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ वहाँ पे काबा के अंदर प्रार्थना पड़ी थी और अल्लाह से दुआ मांगी थी कि आरएसएस को जो है वो उखाड़ कर फेंक दे अल्लाह ताला। तो मैं चाहता हूँ कि जो सऊद राजवंश है वो इस तरह के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको रोके, काबा के अंदर इस तरह की जो प्रार्थना कर रहे हैं आरएसएस के खिलाफ उसको रोके, और इसके अलावा वो पूरी तैयारी करे ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो कि काबा के अंदर जाकर के भारत के खिलाफ दुआएं मांगते हैं। तो मैं एक अपना जो पुराना वीडियो है वो भी मैं लगा रहा हूँ दोबारा से, किस तरह से काबा के अंदर भारत के खिलाफ जो है वो आरएसएस के खिलाफ प्रार्थना की गई थी कि आरएसएस खत्म हो जाए, बीजेपी का नाश हो जाए, वो जो प्रार्थना है उसका वीडियो मैं आगे लगा रहा हूँ पूरा, उस वीडियो को भी मित्रों पूरा देखिएगा, फैलाइएगा, हर जगह शेयर कीजिएगा। और जो सऊद राजवंश है उससे भी हमारी ये प्रार्थना है कि इस तरह के लोगों को पकड़ करके उनको जेल में बंद करें, कि ये कोई खालाजी का घर नहीं है कि वहाँ कोई भी आकर के प्रार्थना कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, वो तो इबादत की जगह है, वहाँ इबादत कीजिए, प्रोटेस्ट वहाँ क्यों कर रहे हैं। तो मित्रों मक्का मदीना जो कि एक महत्वपूर्ण एक तीर्थ स्थल है मुसलमानों के लिए, और वहां पर जो है एक कुछ दुआ पढ़ी जा रही थी, और उस दुआ में जो है बीजेपी का नाम लिया गया, उस दुआ में आरएसएस का नाम लिया गया। يعتمره تشريفا وتعليما وتكريما وبرا இப்ப துவா செய்யுங்க நம்மளுடைய நாட்டினுடைய நிலைமை சீராகிறதுக்காக வேண்டி துவா செய்ய, குறிப்பா ஆர்எஸ்எஸ் கட்சி முற்றிலுமாக ஒளிந்து விட வேண்டும், பிஜேபி வெற்றி பெறக்கூடாதுன்னு சொல்லி குறிப்பாக அல்லாஹ்விடத்துல துவா செய்யுங்க। மித்ரோ வீடியோ கி சத்தியதா கியா ஹை इस बारे में मैं कुछ भी दावेज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं कि मैं किसी वीडियो को चेक करके बताऊं कि वीडियो सही है गलत है। लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि मोहसिन रजा जो कि बीजेपी के एक तरह से बड़े नेता है, मुस्लिम नेता है, उत्तर प्रदेश में वो मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा वर्तमान में वो विधायक है और हज कमेटी के जो है वो एक तरह से चेयरमैन है। तो मोहसिन रजा ने इस वीडियो को ट्वीट किया, और इस वीडियो को ट्वीट करने के बाद उन्होंने अपनी जो बातें लिखी हैं, मैं चाहता हूं कि पहले आप उन बातों को एक बार सुने। तो मित्रों मोहसिन रजा ने उस वीडियो को पोस्ट किया और लिखा कि हज जैसी पवित्र यात्रा और काबा जैसे मुकद्दस स्थान पर भी देश विरोधी विदेशी ताकतों के हाथ के खिलौने ये चंद लोग जिन्होंने अपनी नकारात्मकता वाली सोच का प्रदर्शन किया है, ये लोग देश की भाजपा सरकार और आरएसएस के नाश की बद्दुआ कर रहे हैं। दूसरा ट्वीट लिखते हैं वो कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों की जांच हो, इनके पीछे छुपे हुए लोगों और संगठनों की जांच हो, और ऐसे लोगों के संगठनों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनकी नागरिकता
समाप्त करते हुए इनकी मानसिकता वाले लोगों को देश में जेल भेज देना चाहिए।